हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज मैं फिर से एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ ग्रीन ऑनियन, ये मैं हरे प्याज का ये चीला बना रही हूँ। तो हरे प्याज का ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी वेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये आधी कटोरी यहाँ पे बेसन लिया है क्योंकि मैं ये नाश्ते के लिए बना रही हूँ रेसिपी। इसको आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, अजवाइन, अदरक और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा, हींग और लाल मिर्ची ली हुई है। इनमें से यदि आप कोई मसाला नहीं खाना पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, मैंने यहाँ पे लहसुन नहीं डाला। आप चाहो तो इसकी जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने गरम मसाला नहीं यूज़ किया है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा प्याज। ये हरा प्याज मैंने घर पे ही उगाया है, बिना पानी और बिना मिट्टी गमले के और बिना किसी झंझट के, बिना मेहनत के उगाया। तो इसका वीडियो मैंने डाला हुआ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक ऐसा मसाला जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। इससे स्वाद इतना अच्छा आएगा इस चीले में कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो ये मैंने डाला है यहाँ पे अचार का मसाला। अगर आपके पास किसी भी अचार का मसाला पड़ा है, कोई भी अचार का हो उसका मसाला पड़ा है, तो बस जरा सा थोड़ा सा डाल लीजिए और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। ये मैं बना रही हूँ बेसन से, आप चाहो तो आटे से भी बना सकते हो। तो इसको हमने एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बना लेना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो ये अच्छे से घोल मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इस तरीके का घोल बना लेना जैसे आप चीले के लिए बनाते हैं वैसा। आप चाहो तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हो, मैंने स्किप किया हुआ है, आप डाल सकते हो। तो इसको हमें कोई रेस्ट पे नहीं रखना, तुरंत घोला और तुरंत बना लिया, इस तरीके का रखना है हमें। तो ये मैं हम यहाँ एक चम्मच मसाले डाल दूँ। आप नॉन स्टिक तवा या पैन या फिर नॉर्मल तवे किसी पे भी बना सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस एक ही बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल लगाना पड़ता है, बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने एक कच्छी भर के इस पे डाल देना है तवे पे। अब ये छोटे बनाए बड़े बनाए जैसे भी आप चाहो तो बना सकते हो। ये दो कच्छी मैंने डाला हुआ है। अब इस तरीके से हमें इसको पतला, थोड़ा सा मोटा ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो अगर आप नॉर्मल तवे पे भी बना रहे हैं तो ये चिपक सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस तरीके का। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के पका लेना है। तो यदि आपके पास इस तरीके का कोई ढक्कन है तो इससे आप कवर कर दीजिए, नहीं तो आप लिड लगा सकते हैं, इस तरीके से लिड लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के चीले की ये रेसिपी पसंद आई, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री चैनल, कोई चाहे नहीं चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। उससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए, सीखने के लिए। ये चीला आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं, या फिर नहीं कर रहे तो भी आप सुबह शाम सैटरडे संडे सुबह शाम कभी भी नाश्ते में ये बना के खा सकते हैं हल्की फुल्की भूख में। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे या आप स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से जैसे ये थोड़ा सा अच्छे से एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, हम इसको पलट देंगे। तो ये नाश्ता हम एक बार से चेक कर लेते हैं चीला। आप ओपन करके भी इसको बना सकते हैं, ढकने की जरूरत नहीं। अब हम इसको पलट देंगे इस साइड से, पहले इस तरीके से आपने हटाना है, आसानी से पलट जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब टाइम नहीं लगता। और देखिए कितना क्रिस्पी है, अगर बीच में इस तरीके से टूट जाता तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बना लीजिए। और इसको भी दूसरी तरफ भी क्रिस्पी कर लेना। इसी तरीके से मैं सारे नाश्ते बना के रेडी कर लेती हूँ। और आधी कटोरी बेसन में आपके ये चार पाँच चीले बन जाएंगे। तो चार पाँच जो चीले हैं वो दो तीन लोगों के लिए इनफ होंगे, ये मतलब काफ़ी होंगे नाश्ते के लिए। अगर आप लंच में खा रहे हैं तो आप दो लोगों को लंच में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री चैनल, कोई चार्ज नहीं, चैनल को ग्रो करना हेल्प है, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे देखने के लिए, सीखने के लिए। बेल बटन ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरीके से मैं सारे चीले बना लेती हूँ। तो ये मैंने दूसरा चीला इस पर डाल दिया है तवे पे सिकने के लिए। इसको मैं ओपन करके ही चीला बनाऊंगी। आप इसमें चाहो तो पालक के पत्ते या फिर मेथी के पत्ते वो यूज़ कर सकते हो, धनिया पत्ता यूज़ कर सकते हो। तो एक नाश्ता मैंने इस तरीके से बना के निकाल लिया है,
दूसरा ये बन के रेडी हो जाएगा। बस इस पर हल्का सा आपने दूसरी तरफ ना ऑयल लगा देना, इतना थोड़ा सा ही लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इस तरीके से लगाना। और ये चीले आपके बन के रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़, ये चीले की, हरे प्याज के चीले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो ये जैसे ही एक तरफ से सिक जाएगा, हम दूसरी तरफ से इसको पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं बेसन से, या आप आटे या बेसन से किसी से भी आप बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखें। अगर आप इसमें आप चाहो तो ये रेसिपी ओट्स से भी बना सकते हो, ओट्स से आपको बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी बना सकते हो, ओट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में, तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला चीला भी हमारा बनके रेडी हो चुका है, निकाल लेते हैं इसको सर्विंग प्लेट में इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने दो चीले बनाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं नाश्ता कर रही हूँ तो मैं ये दो चीले बनाया। आप डिनर कर रहे हैं आप या फिर लंच कर रहे हैं तो आप तीन चीले भी खा सकते हैं वेट लॉस में, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा मिक्सचर बच गया है, क्योंकि दो चीले इसमें और बन जाएंगे, तो इसको मैं जब किसी ने खाना होगा घर में तब मैं इसको तुरंत का तुरंत रेडी कर दूँगी। तो अगर आप चाहो तो इस तरीके का घोल ना बना के फ्रिज में रख लीजिए, और अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं या फिर आपने टिफ़िन या लंच बॉक्स में देना है तो इसी तरीके से फटाफट दो मिनट में ये चीले बना के आप उनके टिफ़िन में पैक कर सकते हैं, या आप भी अपने टिफ़िन में कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के ये हरे प्याज के चीले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री चैनल को चार चैनल को गो करना हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके आप हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ या फिर दही के साथ इसको सर्व करें, या किसी रायते के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।